कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है, क्या होते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आई ओटा, वेयर ए बी आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू माइनस वन स्क्वायर रूट। बड़ा ऐसे नंबर्स जो इस शक्ल में लिखे जा सकें, और ये क्या है शक्ल, ए प्लस बी आयोटा, ये आई नहीं है, क्या ये आयोटा। तो आयोटा एक आयोटा एक ग्रीक लेटर है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं आयोटा, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमेशा किस शक्ल का होता है, ए प्लस बी आयोटा। इसमें ए और बी दोनों रियल नंबर्स होते हैं, और आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस वन का स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसको हम स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बेटा दो पार्ट होते हैं, एक होता है विदाउट आयोटा, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। और ये जो होता है इसको बोलते हैं, जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होंगे, पहला होगा बगैर आयोटा वाला, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और दूसरा होता है आयोटा वाला, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। एग्जांपल्स देता हूँ जी, एग्जांपल है जी के मेरे पास 2 + 3 आयोटा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 4 - 6 आयोटा, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 7 आयोटा, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर। अब ये बताओ ज़रा, क्या 6 कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं। अब बताएं, तो याद रखना है एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो ये एक स्टेटमेंट याद रखनी, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता, ठीक है। याद रखना है तमाम रियल नंबर, ये एमसीक्यूज में भी आते हैं, तमाम रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास ये है आयोटा, आयोटा इक्वल होता है माइनस वन के स्क्वायर रूट के। अगर आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर कर दें तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, माइनस वन के। तो ये है ये आपके पहले क्वेश्चन में यूज होने वाली वैल्यू। अब जो एक्सरसाइज 2.5 है ना, इसमें हमने चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1, आयोटा पावर 7। अब आपने देखना है आयोटा की जो पावर है ना, ये अगर 2 पर डिविजिबल है तो फिर हम इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 7 2 पर डिवाइड होता है, नहीं होता। तो हमने क्या करना है, इसको स्प्लिट कर लेना है। तो आयोटा 7 में लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा 6, ठीक हो गया, एक आयोटा अलग कर लेना है। अब 6 2 पर डिविजिबल है, 2 3 6 होते हैं, तो आयोटा 6 को कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 3। आप बताओ जी, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस वन के इक्वल है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दी, माइनस वन। तो इसको अब आपने सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने बेटा याद रखना है, फॉर्मूला ये है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, माइनस वन की पावर ऑड हो तो हमेशा आंसर माइनस वन आने, और माइनस वन की पावर इवन हो क्या आंसर आने, मतलब पावर ऑड आ जाए, 3 आ गई, 5 आ गई, 7 आ गई, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस वन। पावर इवन आएगी तो आंसर हमेशा क्या होगा, प्लस वन। अब यहाँ पे देखो, माइनस वन की पावर 3 ऑड है, क्या आंसर आएगा, माइनस वन। तो आयोटा इंटू माइनस वन क्या आंसर आ गया, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। अब आगे जो सेकंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट है ही आयोटा की पावर 50। 52 पर डिविजिबल है, क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर की पावर 25। आयोटा स्क्वायर होता है जी -1। -1 की पावर ऑड है, क्या आंसर आ जाएगा? -1। ये आपका सेकंड पार्ट, ठीक है, समझ आ गए। इसी तरह थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट में क्या है जी, आयोटा की पावर 12। बहुत ईजी, कैसे लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर की पावर 6, 2 6 या 12 होते हैं, तो आयोटा स्क्वायर कितना है? -1 है। -1 की पावर 6, +1 होगा, -1 होगा, प्लस का 1, तो आयोटा 12 क्या आंसर होगा, ठीक है। अब माइनस आयोटा को आप लिख सकते हो -1 इंटू आयोटा, लिखा जा सकता है ना। अब पावर की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करो, -1 की पावर 8 अलग हो जाएगी, आयोटा की पावर 8 अलग हो जाएगी। -1 की पावर 8 का आंसर +1, आयोटा 8 को कैसे लिखोगे? आयोटा स्क्वायर की पावर 4, आयोटा स्क्वायर -1, -1 की पावर 4, प्लस का 1, और इवन पावर है, तो क्या आंसर आ गया इसका? 1 आंसर, ठीक हो गया। अब इसी तरह इसका पांचवा क्वेश्चन है, माइनस आयोटा की पावर 5, और इसमें भी वैसे ही करना है, माइनस आयोटा को लिख सकते हो -1 इंटू आयोटा, तो -1 की पावर 5 अलग कर दी, आयोटा 4 भी लिखो, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना है? -1, ठीक है जी। माइनस आयोटा -1 की पावर 2 +1, तो क्या आंसर आ गया? माइनस का आयोटा, ठीक है। कितना पहला स्टेप? हाँ जी, आयोटा एक अलग कर लिया, 26, 13 2 26 होते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी, -1 की पावर 30, -1, तो क्या आंसर आ गया? आपने जस्ट कॉन्जुगेट्स बताने, कॉन्जुगेट में क्या करना होता है? कॉन्जुगेट में आपने सिर्फ आयोटा की साइन चेंज कर देनी है। 2 + 3 आयोटा का क्या हो जाएगा? 2 - 3 आयोटा, 3 - 5 का 3 + -3 आयोटा का आयोटा, -3 + 4 आयोटा का -3 - 4 आयोटा, -+ हो जाएगा। ये यहाँ पे वो आपको चक्कर देने की कोशिश कर रहा है, आयोटा की साइन चेंज करनी है, फिर ये ना होगा इसकी साइन चेंज कर दो, तो -3 - -3, ठीक हो गया। अच्छा, रियल पार्ट क्या होता है? पहला जो नंबर होता है आयोटा के पैर, ये रियल पार्ट होता है, इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट 2, रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट -3। रियल पार्ट क्या बोलो? इमेजिनरी। रियल पार्ट क्या है इसमें? नहीं है, 0। इसमें रियल पार्ट क्या है? 0 है। इमेजिनरी पार्ट -2, रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 0, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या करना है? पहला स्टेप, 1 को राइट साइड पर ले जाने हैं, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 4 - 1 3, ठीक हो गया। अब इसका रियल पार्ट क्या है? 3 एक्स, इसका रियल पार्ट क्या है? 3। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं? जब रियल पार्ट के इक्वल हो, और इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है? वाई, इसमें क्या है? -3। लो जी, हलवा क्वेश्चन, समझ आ गई?